नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में। जो मुद्दा भारत की संसद में उठना चाहिए था वो अब ब्रिटेन की संसद में उठाया जा रहा है। दोस्तों, जो तानाशाही भारत में मोदी सरकार किसानों के साथ कर रही है उसकी चर्चा अब सात समंदर पार हो रही है। सब अब मोदी सरकार के कामों को देखते हुए पूरी तरीके से उसकी आलोचना कर रहे हैं। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वही मांगे हैं जो मोदी जी ने खुद किसानों से वादे किए थे। लेकिन मोदी सरकार किसानों की मांगों को सुनने के बजाय उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, उन पर गोलियां बरसा रही है, खुली तानाशाही दिखा रही है, उनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। अब सवाल यहां यह है कि आखिर किसानों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या ये जो किसान है अपने देश के किसान नहीं है? शायद मोदी सरकार की नजरों में हमारा देश का किसान अहमियत नहीं रखता। जबी तो कुछ गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार तक किसानों को आंदोलन जीवी, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, किसानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती को ब्रिटेन की संसद में उठाया गया है, जिसके बाद से मोदी सरकार की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। देखिए आप भी इस वीडियो को, कैसे विदेशी संसद में भारत के किसानों के मुद्दों को उठाया गया है। नजर डालिए इस वीडियो पर। Yesterday, a protester was killed during a reported standoff with the police, wherein the cause of death was, and I quote, a bullet wound to the head. The Punjab Health Minister confirmed that a second boy had also sustained a bullet wound, but luckily he has survived, with another 13 being treated for injuries in hospitals. And today, the BBC have reported that ex-Twitter admitted to being compelled against their wishes to take down legitimate posts and accounts of activists. So does the Leader of the House agree with me that freedom of expression and the safety of protesters and their human rights must be protected? And what representations has the government made to its Indian counterparts to that effect? अब आपको पूरा मामला क्या है वो भी एक खबर के अनुसार पूरे विस्तार से बताते हैं। इस खबर को पढ़िए। ब्रिटेन की संसद में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। आगे लिखा है कि ब्रिटेन की संसद में भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई है। ये चर्चा एक ऑनलाइन पिटीशन पर लोगों को मिले समर्थन के बाद हुई है। इस पिटीशन में ब्रिटिश सरकार से अपील की गई थी कि वो भारत सरकार पर आंदोलनरत किसानों की सुरक्षा और प्रेस फ्रीडम को सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाए। ये पिटीशन नवंबर महीने में शुरू हुई थी, जिस पर 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने साइन किए थे। मिली सूचना के अनुसार, आपको बता दें, इस पिटीशन पर करीब 1.16 लाख लोगों ने सिग्नेचर किए हैं। ये चर्चा, आपको बता दें, लंदन स्थित पोर्ट पुलिस हाउस में संपन्न हुई, जो करीब 90 मिनट तक चली। कोविड प्रोटोकॉल के चलते कुछ सांसदों ने इस चर्चा में घर से ही डिजिटल माध्यम से इसमें हिस्सा लिया। कुछ सांसदों ने पार्लियामेंट में फिजिकली मौजूद रहे। किसान आंदोलन को सबसे अधिक लेबर पार्टी का समर्थन मिला। लेबर पार्टी के 12 सांसद, जिसमें लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन भी शामिल थे, जिन्होंने इससे पहले किसानों के समर्थन में, दोस्तों, एक ट्वीट भी कर रखा था और अब पार्लियामेंट में उन्होंने किसानों का समर्थन भी किया। तो आप खुद समझिए, जो बात यहाँ की सरकार को करनी चाहिए, जो हमारे देश की संसद में होनी चाहिए, वो विदेशों की संसद में हो रही है। आज मोदी सरकार किस तरीके से देश के अन्नदाताओं के साथ जुल्म कर रही है, इस रिपोर्ट को देख आप खुद समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तनमनजीत सिंह सांसद ने इंग्लैंड की संसद में भारत में चल रहे किसान आंदोलन में सरकार की बर्बरता का मुद्दा उठाकर तानाशाही सरकार की कलाई खोल दी। इस समय 27 देशों में किसान आंदोलन पर आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, गोली वर्षा। केवल भारत में क्या किसानों की हत्या कर विश्व गुरु बनेंगे? तो कैसे हमारा देश मोदी सरकार में विश्व गुरु बनने की कगार पर है, आप खुद समझ सकते हैं इस रिपोर्ट को देखकर। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट को देखकर, आप जरूर बताएं कि जिन मुद्दों पर सरकार को बात करना चाहिए, सरकार को हमारे अन्नदाताओं के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, वो नहीं सोच रहे, बल्कि मुद्दे
अब विदेशों में उठ रहे हैं, विदेशों की संसद में सांस समुंदर पार भारत की कैसे मोदी सरकार फजीहत करवा रही है, इस रिपोर्ट को देख आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपका इस रिपोर्ट को देखकर क्या कहना है, अपनी राय अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।